शर्मनाक शादीशुदा बेटी से बाप करता था दुष्कर्म, केस दर्ज। शिवपुरी पोहरी अनुविभाग के चर्चे थाना क्षेत्र में करियोगी बाप के द्वारा रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। चर्चे थाना क्षेत्र के टुकी में एक करियोगी बाप पिछले 3 साल से अपनी शादीशुदा बेटी से दुष्कर्म कर रहा था। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब बाप की जुल्म हैवानियत से परेशान बेटी ने अपने जुल्मों की दास्तां अपने चाचा और चाची को बताई। इसके बाद मामले की शिकायत पीड़िता ने चर्चे थाने पर की। पुलिस ने शुक्रवार की देर रात इस मामले में दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने की भनक लगते ही करियोगी बाप फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शादी होने से पहले पिता ने कई बार हवस का शिकार बनाया। मई 2021 में शादी होने के बाद भी पिता ससुराल वालों पर दबाव डालकर मायके ले आता था और दैहिक शोषण करता था। मां को इस बात की जानकारी होने के बाद भी पिता के दबाव के कारण मां कुछ नहीं कह पा रही थी। परेशान होकर बेटी ने पिता की हैवानियत भरी दास्तां अपने चाचा चाची को बताई तो दोनों दंग रह गए, जिसके बाद पुलिस थाने ले जाकर करियोगी बाप के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कल चर्च थाने में एक युवती आई थी जिसने अपने पिता पर लगातार बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिस पर से पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज की और उसके पिता को गिरफ्तार किया और अभी जिसको हम न्याय के हिरासत में भेज रहे हैं। सर, ये उसके साथ शोषण कब से हो रहा था और कैसे क्या फरियादियाँ पहुंची थाने? उसने बताया कि मेरा पिता करीब 2-3 साल से लगातार बलात्कार कर रहा है और मुझे डरा धमका के भी रखता है